सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस चैनल मौर्य गुरु एकेडमी पर। दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है आप लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही चुके होंगे कि मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ। और दोस्तों उससे भी बढ़कर आज इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। आप लोगों को बता दूं कि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका कॉलेज में एडमिशन वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और ये भी बताऊंगा जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। मैं लाइव प्रूफ आपको दिखाऊंगा, वो इन्फॉर्मेशन पूरी अपडेट भी अपडेट दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिएगा कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलता रहे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे लाइव प्रूफ की क्या मैसेज आया हुआ है जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ से, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा कॉलेज में एडमिशन वक्त, ये भी सारी जानकारी आपको कंप्लीट इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सो गाइस देर ना करते हुए चलते हैं, आपको होम स्क्रीन पर दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं यहाँ पर हम आ गए हैं, और सभी लोगों को बताएंगे जितने भी सेशन 17-20-23 के स्टूडेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दिया जाए कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय के स्नातक 17-20-23 में नामांकन के लिए छात्रों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि कॉलेज में एडमिशन वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और भी जो जानकारी है इन्फॉर्मेशन है पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा जो जेपी यूनिवर्सिटी से आया है। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को पूरा तक बने रहेंगे, वीडियो को पूरा इंफॉर्मेशन जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की तैयारियों के अनुसार 1 दिसंबर से पहले मेधा सूची जारी होने की संभावना नहीं दिखा रही है। ठीक है, 1 दिसंबर से आपका पहले नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों का 1 दिसंबर को जारी होगा, उससे पहले उम्मीद ना ही रखें। ठीक है, उससे पहले उम्मीद आप ना ही रखें तो ठीक है, सभी लोगों को बता दिया गया है 1 दिसंबर को जारी होगा। हालांकि स्तर पर तैयारियां चलने की बात विश्वविद्यालय पदाधिकारी बता रहे हैं। ठीक है, आपको बता दी जाए कि आवेदन की अंतिम तिथि थी 11 अक्टूबर, और उसमें आवेदन आए थे 89,000 विद्यार्थियों ने नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को पूरा लिस्ट दिखाया जा रहा है, पूरा लाइव प्रूफ विश्वास के साथ बताया जा रहा है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो पूरा आप लोग देख लीजिए। और आपको बता दी जाए कि अंतिम सूची में नामांकन के लिए चयनित छात्रों को मोबाइल और ईमेल आईडी पर भी जानकारी भेजी जाएगी। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जब आपने ऑनलाइन आवेदन करने वक्त दिया था, तो साथ ही साथ आप लोगों का उसी पर आप लोगों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मैसेज आ जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को यह इन्फॉर्मेशन बता देता हूं, कोई भी आप लोगों को ऐसे पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट जानकारी नहीं देगा। सो गाइस हमारे चैनल पर पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो बनाया जाता है और पूरी इन्फॉर्मेशन छात्रों को स्टूडेंट्स को बताया जाता है। सो गाइस देख सकते हैं नामांकन के समय आप लोगों का क्या क्या मतलब लगेगा डॉक्यूमेंट, पूरी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। देख सकते हैं नामांकन के समय आवेदन कि जब आपने आवेदन किया था उसका डाउनलोड जब आप किए होंगे तो उसका प्रिंट आउट लगेगा। ठीक है, उसका प्रिंट ले लीजिएगा और प्रिंट निकलवा लीजिएगा। उसका एक स्लिप चाहिए आवेदन करने के वक्त, और इंटर का अंक पत्र चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए। ठीक है, इस ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। याद रखिएगा, जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था तो आपका उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, अगर नहीं निकलवाए हैं तो डाउनलोड किए होंगे रखे रहिएगा। और दूसरी बात, इंटर जैसे कि आपको बता दीजिए कि इंटर का अंक पत्र चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए और एडमिट कार्ड चाहिए। प्रमाण पत्र के रूप में आप जैसे कि आपको पता ही होगा, तो इस तरह सर इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोगों के लिए। देख सकते हैं आप लोगों को बता दीजिए कि अन्य जरूरी कागजातों के साथ उपलब्ध कराना होगा आप लोगों को सारा कुछ डॉक्यूमेंट, ये सब। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट की बहुत ही आवश्यकता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इंटर का एडमिट कार्ड भी लगेगा, सारा कुछ लगेगा आप लोगों को सारा। चलिए डॉक्यूमेंट के बारे में तो पूरा क्लियर हो चुका आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और जैसा कि मैंने ये भी बता दिया कि 11 अक्टूबर तक आप लोगों का अंतिम तिथि था और 89,000 आवेदन आए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें थोड़ी जानकारी और जान लेते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा आया हुआ है। तो सो गाइज वीडियो को अंत तक बने रहेगा, वीडियो को अभी छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये इन्फॉर्मेशन होने वाला आप लोगों के लिए। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन। SFI 2 दिसंबर को जेपी, देख सकते हैं जेपी विश्वविद्यालय का करेगा घेराव। जी हाँ दोस्तों, 17-20-23 की अंतिम नामांकन सूची का प्रकाशन अविलंब करते हैं, देख सकते हैं करने हेतु आप लोगों को बता दी जाए कि SFI की बैठक राजेंद्र कॉलेज में हुई है। वहीं सदाब अहमद देख सकते हैं मजहरी, आपने बताया कि आज तक देख सकते हैं आदि छता की राजधज आप लोगों को शैलेंद्र यादव ने कहा कि एक तो केंद्र सरकार दोषपूर्ण, जी हां दोस्तों केंद्र सरकार दोषपूर्ण नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर रही है। जैसे कि आप लोगों को बता दिया जाए कि शिक्षण संस्थानों को निजी हाथों में सौंपने का खेल रही है। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात किया जाए दूसरी तरफ सूबे जैसे कि आप देख सकते हैं सूबे के विश्वविद्यालय के प्रबंधों द्वारा शैक्षणिक
अराजकता। जी हाँ दोस्तों, अराजकता को बढ़ावा देकर छात्रों की भविष्य के साथ मजाक किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं सभी कुछ, जो वहाँ के जेपी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल जो मतलब आधिकारिक है वो इन्होंने मैसेज भेजा है पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, आप भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सरताज खान SFI छात्र नेता देवेंद्र कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। लगभग 3 महीने बीत जाने के बाद भी 17-20-23 की नामांकन सूची जो है अभी तक प्रकाशन नहीं किया गया है। ठीक है, अब आपको बता दिया जाए कि 17-20-23 में देख सकते हैं 17-20-23 जो नामांकन अंतिम नामांकन सूची का प्रकाशन अभी जो अविलंब करने की सभी कॉलेज व विश्वविद्यालय कैंपस में छात्रों को मूलभूत सुविधा जैसे कि शौचालय, पेयजल, प्रतीक्षालय आदि की व्यवस्था करने में प्रायोगिक कक्षाओं का संचालन नियमित करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र कॉलेज हॉस्टल से स्नातकोत्तर विभागों की विश्वविद्यालय कैंपस में जो शिफ्ट कर छात्रों को आवंटित करने की आदि मांगी जा रही है। सब लोगों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन। सो गाइज, ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों आप लोगों को बता दिया जाए कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आपको दे दिया गया है। आप चाहे तो इस पर पढ़ भी सकते हैं पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोगों को ये वीडियो बनाया जाता है और पूरी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट दिखाया जाता है। सो गाइज, बार बार स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर प्रूफ दिखाइए, प्रूफ दिखाइए, क्या इन्फॉर्मेशन आया हुआ है प्रूफ के साथ बताइए। तो सो गाइज, ये प्रूफ है आप लोगों के लिए पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ, ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हुए। और साथ ही साथ आप लोगों ने पूछा भी था, क्वेश्चन भी किया था कि सर नामांकन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में भी बताइए। तो आप देखिए, हर समय की एक लिमिट होती है, जैसे कि आप लोगों को बता दूं कि सही समय पर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाता है और सब कुछ बता दिया जाता है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया कि इंटर का अंक पत्र चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, और आप लोगों ने जब ऑनलाइन आवेदन किया था उसका एक प्रिंटआउट चाहिए, प्रिंटआउट ले लीजिएगा उसका। उसके बाद इतने सारे डॉक्यूमेंट लेके अपने कॉलेज में पहुंच जाइएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों का पहले फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने दीजिए 1 दिसंबर को, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, और ये सभी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब एक तरफ से गुड न्यूज साबित हुआ होगा। वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा रहा इन्फॉर्मेशन, और पूरी लाइव प्रूफ आपको दिखाया हूँ इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर जितने भी यूजर हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी को दबा दीजिएगा। और आपको बता दूं मैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करिए इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करके। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स की, जैसे कि फेसबुक पर, व्हाट्सअप पर, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी एप्लीकेशन में शेयर कर दीजिए कि सभी स्टूडेंट्स को मालूम चल सके। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम। और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, इससे रिलेटेड जानकारी आपको पूरी मिलेगी, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो यदि अगर आप अदर सेशन के स्टूडेंट्स हैं, जेपी यूनिवर्सिटी से ज्वाइन हैं, तो फटाफट मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और आपको एक बात और बता दिया जाए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, तो फटाफट ज्वाइन हो जाइएगा कि आपको नोटिफिकेशन इसी तरह मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय वंदे मातरम।